आज हम फिर से मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं और उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कैसे आसान ट्रिक से सॉल्व करेंगे इसके विषय में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो हमारा कह रहा है यदि एक्स बटा वाई बराबर 3/4 तब मान होगा जब यह इक्वेशन होगा, यानी कि इसमें कहा जा रहा है इसका वैल्यू कितने होंगे। तो ऐसे समझिए एक्स के जगह पर हमको 3 पुट करना है और वाई के जगह पर हमको 4 पुट करना है। तो देखिए दोस्तों कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर आसान ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है 6/7 सबसे पहले लिख देंगे और 3 एक्स के जगह पर 3 और वाई के जगह पर 4 करते हैं पुट, तो 4 में 3 चला जाएगा तो कितने बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर 4 3 कितने हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 7। अब नीचे जो है सेम बेस है तो कितने हो जाएंगे, 7/7। इस प्रकार से जब काटेंगे तो इसका वैल्यू कितने आ जाएंगे, 1 इसका आंसर है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं जो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल भी सही है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको दिखाते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन आप सभी के लिए रखेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लिखेंगे वो भिन्न जिसका हर 30 है, वो भिन्न जिसका हर कितना है 30 है, 30 है, और जो 5/8 तथा 7/11 के बीच स्थित है तो क्या होगी, 17/30 होगी, 19/30 होगी, 23/30 होगी या 13/30 होगी, क्या होगी, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आसान सॉल्विंग करेंगे ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज़ समझिए। कहा गया वो भिन्न जिसका हर कितना है 30, वो भिन्न जिसका हर कितना होना चाहिए दोस्तों 30 होना चाहिए, हर नीचे वाले को कहा जा रहा, ऊपर में अंश में क्या होगा यह ज्ञात नहीं। जो 5/8, जो 5/8 और 7/11 और 7/11 के बीच में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, वो क्या होगी, यानी इस वाट के स्थान पर आपको ढूंढने। तो आइए यहाँ पर ढूंढते हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों इस क्वेश्चन को। जैसे कंपेयर वाला हम लोग तुलना करते थे उसी तुलनात्मक के हिसाब से करना, यानी एक बार यहाँ 17 पुट कीजिए, एक बार 19 पुट कीजिए और तुलना करके देख लीजिए। तो हम डायरेक्टली पुट करते हैं, हम चाहते हैं कि 19 वाला हम पुट करें, यानी कि इफ़ यदि हम पुट कर रहे हैं वाट बराबर पुट कर रहे हैं 19, अगर हम 19 पुट करते हैं तो हमारा इक्वेशन कैसे बन जाएगा, 5/8 और 19/30 और 7/11 बन जाएगा। अब इस पर तुलना करना, तुलना करने के लिए आपको बताए थे इसमें से इसको गुना करना, इसमें से इसको गुना करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 150 आ जाएंगे। फिर 19 को 8 से गुना करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 152 आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 11 को 19 से गुना करेंगे तो 209 आ जाएंगे। फिर 30 को 7 से गुना करेंगे, 30 से 7 से गुना करेंगे तो आ जाएंगे 210। यहाँ पर देखिए दोस्तों 150, फिर यहाँ स्टेप बाय स्टेप बढ़ते गया, यानी कि 19 जो है बिल्कुल भी सही जवाब है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन 2 है बहुत ही अच्छे आंसर है, बिल्कुल भी सही जवाब है। तो समझ चुकी है कि इस प्रकार से क्वेश्चन को कंपेयर करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देखते हैं आप, जो कि आप सभी के एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 100 एवं अंतर 37 है तो उनके वर्गों में क्या अंतर आएगा। कहा जा रहा है दो को संख्या है जिसको जब जोड़ते हैं तो 100 आता है और जब अंतर करते हैं तो कितने आ जाते हैं, 37 आ जाते हैं। तो पूछा जा रहा है कि उनके वर्ग में क्या अंतर आएगा। आइए यहाँ पर समझते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, मानते हैं कि दो वो संख्या है x और y, जब हम दोनों को x और y को जब हम प्लस करते हैं तो कितने आते हैं, 100 आते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम इन दोनों संख्या को जब हम घटाव कर देते, लेस कर देते तो कितने आ जाते हैं, 37 आ जाते। अब कहा जा रहा उनके वर्ग निकालिए। अब वर्ग निकालने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि x का स्क्वायर और y का स्क्वायर जब करेंगे तब क्या आएगा, यही हमें पूछा जा रहा। तो आपको पता है a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो उसी के फॉर्मूला के आधार पर यहाँ पर प्लेस करेंगे, x प्लस वाई बराबर 100 दिया गया है और x माइनस वाई बराबर 37 दिया गया है,
इस प्रकार से जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएंगे कितना 37। सो अतः हम कह सकते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 4। आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आप सभी के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हम यहाँ पर वही क्वेश्चन करवाते हैं जो कि आप सभी के एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते। लिखा हुआ यदि एक बंदूक 9 मिनट में 7 गोली छोड़ती है तो यह 1 घंटे में कितनी गोलियाँ छोड़ेगी। गोली छोड़ने वाली बात कही जा रही है, तो ऐसे कह समझिएगा कि वैसा कुछ चीज़ जिसका हम लोग टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, जिंदा पत्थर जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम टुकड़ा नहीं कर सकते। इसमें क्वेश्चन तरह तरह के बदल बदल के पूछे जाते हैं। कभी सुने हैं कि आधा आदमी आधा लड़का आधा लड़की, पौने लड़का पौने लड़की, डेढ़ लड़का डेढ़ लड़की, अढ़ाई लड़का अढ़ाई लड़की, अढ़ाई महिला 3.5 गो महिला, क्या इस टाइप से सुने? नहीं, जब भी सुनते हम लोग या तो 3 या तो 4, यानी कि कंप्लीट नंबर। तो जब भी हम लोग गोली छोड़ेंगे तो पूरा कंप्लीट नंबर छोड़ेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल हम कह रहे हैं कि 2 मिनट में कोई व्यक्ति 2 मिनट में 3 गोली छोड़ती है, कितना 3 गोली, तो 1 मिनट में कितने गोलियां छोड़ेगी, तो 3/2 कर देंगे, बराबर कितने आ जाएंगे 1.5 गोली। तो 1.5 गोली आएंगे तो कभी भी 1.5 गोली तो कोई मारेगा नहीं, कोई छोड़ेगा नहीं। इस कंडीशन पर इसको हम लोग एक सिप मानेंगे, यानी कि अगर क्वेश्चन में 1.99 भी वैल्यू आ गया तो इसको हम एक ही कंसीडर करेंगे, पॉइंट के बाद का वैल्यू को हम छोड़ देंगे। याद रखिएगा ऐसा नहीं, जनरल मेथड में क्या करते हैं, 1.99 होता है तो अप्रोक्सीमेट हम इसको 2 मानते, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन में 2 नहीं मानना है, बल्कि पॉइंट का वैल्यू को छोड़ देना, जो पहला होल नंबर होगा उसी होल नंबर को ही आपको यहाँ पर लेना है। आई होप आप सभी ये कंसेप्ट को समझ चुके हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि यह क्वेश्चन जो है किस प्रकार से जो है दोस्तों आसान ट्रिक से जो है यहाँ पर बनेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से आप सभी के पास जो प्रस्तुत करने का यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, 9 मिनट में कितने गोलियाँ छोड़ती हैं, 7 गोली, यानी कि 9 मिनट में जो गोली छोड़ती है वो 60 गोली, ठीक है, गोली जो है छोड़ती है, क्लियर। उसके बाद 1 मिनट का अगर हम बात करते, 1 मिनट में क्या होगा, 7/9 गोली छोड़ेगी। तो पूछा जा रहा है 1 घंटे तक, 1 घंटा कहने का मतलब है 60 मिनट, 60 मिनट में कितना गोलियां छोड़ेगी। तो 60 मिनट में छोड़ेगी कितना, 7/9 × कितने हो जाएंगे 60। इसको काटते हैं तो ये 3 से काटेंगे तो 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, यानी कि 7 × 2 = 14, यानी कि 140 कितने हो जाएंगे दोस्तों 3, बराबर इसको जब हम काटेंगे तो 46.666 आएगा। लेकिन अभी आपको समझाएं, पॉइंट के बाद का वैल्यू को बिल्कुल भी नहीं लेना, यानी कि 46 गोली जो है इसका जो सही आंसर होगा 46 गोली, यानी लगातार 1 घंटे में जो है गोली छोड़ेगी 46, यानी आता हम कह सकते हैं इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आप सभी के एग्जामिनेशन में ज़बरदस्त तरीके से पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा VVI है, बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन को रिपीटेड होते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से आप सभी सीखें। यहाँ पर कहा जा रहा है 3/7 × 3x-7 बराबर 7/3 × 7x-3 बराबर हो तो x का मान क्या होगा, यानी इस टाइप के क्वेश्चन में x का मान निकालने के लिए पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए सिंपल सा तरीका है कि ऑप्शन से अगर आप बनाना चाहते तो ऑप्शन से बारी बारी से करके आप इसमें से मान को पुट कर सकते हैं, मान को प्लेस करके इसमें बना सकते हैं। और अगर पावर से नहीं बनाते हैं तो कैसे करते हैं, याद रखिएगा जब भीन को पलटते हैं तो पावर का साइन जो है बदल जाता है। याद रखिएगा भीन को जब पलटेंगे तो पावर का साइन को बदल जाएगा, हमको क्या करना, बेस को इक्वल करना है। तो बेस को इक्वल करना है तो या तो इसको पलट दीजिए या तो इसको पलट दीजिए, जो आपको चाहिए उस भीन को पलट देते हैं। तो आइए यहाँ पर भीन को पलट रहे हैं, 3/7 हो जाएगा हमारा 3x-7 बराबर, इसको हम बेस इसके जैसा बनाना है तो इसको हम क्या कर देंगे, 3/7 इसको हम कर देंगे, 3/7 था
और यहाँ 7/3 था तो हमको बेस दोनों को इक्वल करना था, तो इसको हम क्या की उलट दी, जैसे उल्टेंगे पावर का साइन बदल जाएगा, यानी कि -7x हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ बन जाएगा प्लस। आई होप आप सभी समझ चुके। अब देखिए ये बेस सेम है तो सेम सेम बेस क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 3x माइनस 7 बराबर हो जाएगा -7 + 3। क्लियर है। अब इसको इक्वल करना है, एक तरफ ले जाना है सारा वैल्यू को, तो चलिए यहाँ पर ले आते हैं और आपको यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, जब ये -7x है यहाँ 3x है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी +10x हो जाएगा बराबर, यहाँ पर -7 यहाँ पर +7 +3 तो इधर जाएगा, तो ये वैल्यू कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा, 10 10 इस प्रकार से कट जाएगा दोस्तों। तो x बराबर कितना निकल के आएगा हमारा, 1 निकल के आएगा, जो कि बिल्कुल भी सही जवाब आता, हम कह सकते हैं इसका सही ऑप्शन नंबर कितने 3 है। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पर अंतिम था, आपको यह वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट लिख कर जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।